नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन देख रहे हैं जो 24 अगस्त 2021 को BSTC का जो मेगा टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें जीके के प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जीके में पेपर का ए सीरीज के प्रश्न अपन देख रहे हैं। यहाँ पे 51वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी की जन्मभूमि पोकरण रही है एवं कर्म भूमि ब्यावर रही है। जन्मभूमि पोकरण जैसलमेर और कर्म भूमि ब्यावर रही है। प्रताप सिंह बारट, ज्वाला प्रसाद शर्मा, सेठ दामोदर दास राठी, राव गोपाल सिंह। तो सही आंसर होगा सेठ दामोदर दास राठी, जिनका जन्म पोकरण जैसलमेर में हुआ और इनकी कर्म भूमि ब्यावर में हुई थी। इन्हीं के द्वारा 1889 ईस्वी में ब्यावर में राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। हल्दीघाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 में हुआ था, इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति कुंवर मानसिंह, मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के कुंवर मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोत माता का प्रसिद्ध मेला कब लगता है? छोत माता, छोत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। छोत माता का जो प्रसिद्ध मेला कब लगता है? माघ माह है, चैत्र माह है, भाद्रपद माह है या फाल्गुन माह है? तो सही आंसर होगा छोत माता का मेला माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है, छोत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब, निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहाँ बनता है? दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या फिर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। वहाँ उच्च तापमान हो जाता है जिसके कारण निम्न वायुदाब हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, सभी पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो पंचायत राज का जो त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? राजस्थान के एकीकरण में जो पहला चरण हुआ मत्स्य संघ, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था, उद्घाटन किसने किया था? तो बताएंगे उद्घाटन एलवी गॉडगिल, नर हरि विष्णु गॉडगिल ने किया था। तो इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आंसर होगा अपना श्री के एम मुंशी कन्हैयालाल माणिकचंद मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। और शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर आ जाए तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। प्रश्न आ जाए मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस समिति के सुझाव पर किया गया है? तो शंकर राव देव समिति। और आ जाए जयपुर को जो राजधानी बनाई गई है किस समिति के सिफारिश पर? तो पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाई गई है। नेक्स्ट है, राज्य के सबसे कम औद्योगिक
मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, हीरा लाल देवपुरा। तो राइट आंसर होगा हीरा लाल देवपुरा। ये सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे। सर्वाधिक अवधि क्या जाए, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो बताएंगे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया वो सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। नेक्स्ट, द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ? औसिया, जायल, नागौर या फिर कांकरोली? तो सही आंसर होगा राजसमंद कांकरोली में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। और सिहाड़ गांव में, सिहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। महाराणा राज सिंह के समय बनाए गए। नेक्स्ट, बाड़मेर साचौर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम हेतु, बायोगैस हेतु, खनिज पदार्थ हेतु या जिप्सम हेतु? तो सही आंसर होगा पेट्रोलियम हेतु। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? सहकारी क्षेत्र में संचालित शक्कर का कारखाना गंगानगर में, केशवराय पाटन में, उदयपुर में या गोपाल सागर में? तो राजस्थान का पहला जो चीनी का कारखाना की बात करें, तो पहला चीनी का कारखाना 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ था। ठीक है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ था, बट ये निजी क्षेत्र का था। ये निजी क्षेत्र का राजस्थान का पहला चीनी कारखाना भी है और राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम चीनी कारखाना भी भोपाल सागर है। सेकेंड, यदि अपन बात करें दूसरा चीनी का कारखाना दी गंगानगर शुगर मिल्स है, जो 1937 में दी गंगानगर, गंगानगर वाला जो कारखाना है 1937 में, लेकिन यह भी सार्वजनिक क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? सार्वजनिक क्षेत्र का है। और अब सहकारी क्षेत्र की बात करें तो 1965 में केशवराय पाटन कहाँ पड़ता है? बूंदी में, जो राजस्थान का पहला सहकारी क्षेत्र का चीनी का कारखाना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केशवराय पाटन। नेक्स्ट, वर्तमान में 15वीं विधानसभा के राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? 15वीं विधानसभा के अपने स्पीकर कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़, दीपेंद्र सिंह शेखावत, सुमित्रा सिंह या सीपी जोशी? तो सही आंसर होगा अभी अपने विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी। राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? तो नरोत्तम लाल जोशी। ये भी याद रखना, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? लाल सिंह सत्तावत। नेक्स्ट, धावड़ी किस क्षेत्र की बोली है? धावड़ी बोली किस क्षेत्र की है? तो बताएंगे धावड़ी उदयपुर की बोली है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का गठन होता है, ग्राम सभा का गठन किसको मिलाकर के ग्राम सभा का गठन किया जाता है? ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रहे समस्त जनता से पंच, सरपंच और उप सरपंच मिलकर के ग्राम सभा का गठन होता। पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से, या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से? तो ग्राम सभा का जो गठन होता है, ग्राम सभा का गठन है उसी ग्राम पंचायत के 18 साल से अधिक उम्र के वे नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम हो।
ठीक है, एक तो 18 साल से कम उम्र के होंगे तो वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे, दूसरी जो ग्राम पंचायत है उसके सदस्य भी नहीं होंगे, तीसरा 18 साल के तो है और अपने ग्राम पंचायत में रहता है लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से ग्राम सभा का गठन होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी का वह उपकरण जिस पर हल रख कर खींचा जाता है वह क्या कहलाता है, गियोड़ी, गिरनी, गिसाली या गीड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा गियोड़ी, गियोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, डाकन या प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगे, डाकन प्रथा पर राजस्थान में सबसे पहले रोक कहाँ लगाई, उदयपुर राज्य में, कोटा में, बीकानेर में या फिर जोधपुर में। तो सही आंसर होगा उदयपुर में। 1853 में स्वरूप सिंह के समय, महाराणा स्वरूप सिंह के समय इस लाखन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया है और सबसे पहले रोक लगाई थी खेरवाड़ा के पॉलिटिकल एजेंट, खेरवाड़ा छावनी पॉलिटिकल एजेंट जेसी ब्रुक के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है, ऊर्जा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है, राजस्थान में ऊर्जा मंत्री व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है, रघु शर्मा, अंजना उदयलाल, ममता भूपेश, बुलाकी दास कल्ला यानी बी डी कल्ला। तो ये राइट आंसर बीडी कल्ला ही होगा। नेक्स्ट, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल है, दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, गलियाकोट या गागरौन। तो दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट है, अगला है, गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, होली पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन। तो सही आंसर होगा होली के त्यौहार पर, होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, सुंदा पर्वत पर किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, सुंदा पर्वत पर कौन सी देवी, सुंदा पर्वत कहाँ है, जालोर में, ठीक है, वहाँ पर जो अपना राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया है तो वहाँ पर कौन सी देवी का मंदिर है, तो वहाँ चामुंडा माता का मंदिर है, कौन सी देवी है, चामुंडा माता का मंदिर है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सेकंड नंबर पे आए तो सेकंड नंबर पे बाड़मेर है, दूसरा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है, तीसरा सबसे बड़ा आप पूछे तो तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा बीकानेर और चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा जोधपुर फिर नागौर। चलिए आगे, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी के दरों में कितने रुपए की प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है, 17 रुपये, 21 रुपये, 27 रुपये और 50 रुपये। तो सही आंसर होगा 27 रुपये प्रतिदिन। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, राजस्थान से लोकसभा में टोटल कितनी सीटें हैं, 25, और राज्यसभा में कितनी है, 10। संसद में कुल कितने सदस्य राजस्थान से चुने जाते हैं, तो कुल सांसद हो जाएंगे राजस्थान में, टोटल 25 है, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10 और संसद में आ जाए तो 35 है, ठीक है। अब जो 25 सदस्य चुने जाते हैं तो 25 सदस्यों में से SC और ST के कितने सदस्य अपने रिजर्व है, आरक्षित है, तो याद रखेंगे 4 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 3 सदस्य अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, ठीक है। उसी प्रकार से कुल
विधानसभा की सीटें कितनी राजस्थान में? 200। विधानसभा की सीटें 200, इन 200 में भी 59 सीटें जो है रिजर्व है। राजस्थान की विधानसभा की 59 सीटें रिजर्व है, जिनमें 34 सीटें तो हो जाएगी आपके एससी अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें हो जाएगी आपके एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब विधान परिषद और राजस्थान में बन रही है, विधान परिषद की कितने सीटें रहेगी? तो याद रखना विधानसभा का 1/3 यानी 66 सीटें विधान परिषद में रहेगी। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किया, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया जाहुता गांव। जाहुता गांव ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो बताएंगे जयपुर ज़िले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र, ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोटरी जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर। तो इसका ब्लू पोटरी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है और कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। राम सिंह द्वितीय ब्लू पोटरी, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास हुआ। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के समय ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास हुआ। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है, पीरों के पीर रामसा पीर, रामदेव जी को कहा जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। दौसा जिले की सीमा कौन से जिले को नहीं छूती टच करती है? भरतपुर, बूंदी, अलवर या करौली। तो दौसा जिले की, भरतपुर तो टच कर रहा है, अलवर भी, करौली भी कर रहा है, बूंदी जो है ये सीमा टच नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए अपना अगला प्रश्न है 77वां, राजस्थान संघ में सम्मिलित कुल रियासतें कितनी थी? राजस्थान संघ में सम्मिलित जो दूसरा चरण था ना अपना पूर्व राजस्थान संघ, वैसे इसका नाम पूर्व बाद में जोड़ा गया था, पहले इसका नाम राजस्थान संघ ही था, राजस्थान संघ। बाद में जब छठा चरण और आता है राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 को, तो इसके आगे पूर्व लगा दिया था, पहले पूर्व राजस्थान संघ ही था। तो ये जो अपना उद्घाटन किया गया था इसका 25 मार्च 1948 को जो पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया था, इसमें कुल कितनी रियासतें थी? तो बताएंगे इसमें टोटल है 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें। कौन कौन सी है 9? तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और बूंदी, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो गए नौ। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, किशनगढ़, बूंदी। अरे बूंदी नहीं है भाई, टोंक है यहाँ पर, टोंक है, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक। तो अपने पहले ऊपर लिख दिया टोंक के साथ में ना। चलो 9 रियासतें थी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था? सांगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था? सिवाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, खातोली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। तो क्या बताओगे? खातोली का युद्ध 1517 में हुआ था, खातोली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और प्रश्न आ जाए, महाराणा सांगा ने कौन से युद्ध में बाबर को पराजित किया था? बाबर का आ जाए तो बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया था, बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित किया। और बाबर ने महाराणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया? तो फिर बताएंगे खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में। नेक्स्ट है,
बटाड़ू का कुआं कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। बटाड़ू का कुआं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रावल कर्ण सिंह, रावल नरेश, रावल गुलाब सिंह और नरेश कानड़ देव। बटाड़ू का कुआं जिसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहता किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं। इसका निर्माण रावल गुलाब सिंह ने किया था। नेक्स्ट, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद डेबर झील कौन नहीं जानता है, उदयपुर में है। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले में हैं? टोटल जो 200 सीटें हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कौन से ज़िले की है? तो बताएंगे सबसे ज़्यादा सीटें जयपुर की है, कि सबसे कम सीटें जैसलमेर की है। ये जो सीटों का आवंटन जो किया जाता है ना, विधानसभा, लोकसभा, ठीक है, ये सभी सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सीटों का आवंटन है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जहाँ जनसंख्या सर्वाधिक होगी वहाँ सीटें सर्वाधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या राजस्थान जयपुर में है, तो जयपुर की सर्वाधिक है और जैसलमेर की सबसे कम है। नेक्स्ट देखिए, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? विराट, शिवी, जांगल प्रदेश या सूरसेन? विराट, विराट में तो अलवर आना चाहिए। अलवर और जयपुर ये वाला क्षेत्र जो है विराट नगर के नाम से जाना जाता है। विराट जनपद मध्य से जनपद चलता था जिसकी राजधानी विराट नगर थी। शिवी ये मेवाड़ क्षेत्र में जिसकी राजधानी मध्यमिका चित्तौड़गढ़ थी, वर्तमान में नगरी कहते हैं। जांगल प्रदेश ये तो बीकानेर क्षेत्र का है जिसकी राजधानी अयोध्या। सूरसेन जनपद का भाग था ये, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये सूरसेन जनपद जिसकी राजधानी मथुरा, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट, बाबूजी की जन्म स्थली है, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलुमंड गांव, खेजड़ी, खड़नाल, ददरेवा। बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? तो बाबूजी का जन्म जोधपुर के फलोदी के निकट कोलुमंड गांव में हुआ था। क्या खड़नाल में तेजा जी का जन्म स्थान हुआ, ददरेवा में गोगा जी का जन्म स्थान हुआ। नेक्स्ट है, कौन सी विधानसभा की समयावधि बढ़कर 5 वर्ष से अधिक हो गई थी? राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा रही है जिनकी समयावधि 5 वर्ष से अधिक हुई थी, 7वीं, 6ठी, 4थी और 5वीं। तो 5 से ज़्यादा 5वीं रही है। क्या एक इसमें और ध्यान रखना, कौन सी विधानसभा में सीटें 200 हो गई थी? तो 6ठी विधानसभा में सीटें 200 हो गई थी। नेक्स्ट, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है? तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? करनाल हरियाणा, रेवाड़ी हरियाणा, हनुमानगढ़ जिले में, फिरोजपुर पंजाब में। तो तराइन का मैदान, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192 राज चौहान तृतीय और गौरी के मध्य हुआ था। तो ये तराइन का मैदान कहाँ है? तो बताएंगे करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट अगला है, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ था? जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ, गांधी जी का 5वां पुत्र, गुलाम नंबर 4 के नाम से जाने वाले सेठ जमनालाल बजाज का जन्म खेतड़ी के जसरापुरा गांव में, बिलवाड़ा जिले के रुपायली गांव में, जयपुर जिले के बादवा गांव में और सीकर जिले के काशिकाबास गांव में। सही आंसर होगा सीकर जिले के काशिकाबास गांव में हुआ। नेक्स्ट अगला है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत, कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है? कोलायत बीकानेर में। ये कब भरता है? चैत्रमा, फाल्गुन, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रवा महा। तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है कपिल मुनि का कोलायत में। कोलायत झील भी है
मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? मुस्लिम कला के लिए, राजपूत कला के लिए, जैन मंदिर कला के लिए, बौद्ध स्थापत्य कला के लिए? माउंट आबू जो दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, विमल साई जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर है ना। नेक्स्ट है मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का समय से है? मंडन, मंडन साहब जो महाराणा कुंभा के प्रमुख वास्तुकार थे, बोलते गुजरात के रहने वाले थे, इनकी देखरेख में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, जिन्होंने मंडन ने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वेदंड मंडन है ना। तो जो रूप मंडन किताब है उस रूप मंडन में किसका संबंध है? तो बताएंगे रूप मंडन में वास्तुकला से संबंधित है। शिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मेला कब भरता है? चैत्र वैशाख महाशिवरात्रि कार्तिक पूर्णिमा। शिवाड़ सवाई माधोपुर में घुसमेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ मेला भरता है महाशिवरात्रि, कब आती है? फाल्गुन महीने में। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य का रचयिता कौन है? राज प्रशस्ति की रचयिता दुर्गाहाड़ा, केशवदास, रणछोड़ भट्ट, गरीबदास। तो राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर, आहवा, नीमच, अजमेर। ये नीमच में हुआ विद्रोह, अजमेर नसराबाद में हुआ, आहवा कुशाल सिंह चंपावत है ना, भीथोड़ा का युद्ध, चैलावास का युद्ध हुआ, जयपुर में ये केंद्र नहीं था। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड कौन से ज़िले में है? जालौर, पाली, कोटा, जोधपुर। तो सही आंसर होगा पाली में है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता? मुख्यमंत्री इस्तीफा किसे देता? अपने पार्टी के अध्यक्ष को, विधानसभा के अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। ठीक है, मुख्यमंत्री आ जाए या कोई सा भी मंत्री आ जाए राजस्थान का, या विधानसभा या राज्य मंत्री जो है, ये मंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, और एक विधानसभा जो सदस्य आ जाए, विधानसभा का सदस्य, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है इसलिए इम्पोर्टेंट भी बनता है। MLA जो अपना है विधानसभा का सदस्य, ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? विधानसभा अध्यक्ष को देता है। इम्पोर्टेंट कर लेना, अभी चर्चा में रहा तो प्रश्न बन सकता है। और विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा उपाध्यक्ष किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, और राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? क्या सर्वाधिक साक्षरता कोटा में? न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में? सही है। न्यूनतम साक्षरता सिरोही में है? नहीं, ये गलत है। न्यूनतम साक्षरता जालौर में है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता जालौर में, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर। सही है, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला, पर्वत शरी व जमुनापुरी किस पशु की नस्ल है? पर्वत शरी जमुनापुरी ये हो जाएगी आपके बकरी की नस्लें हैं जी, बकरी की नस्लें हैं। अगला, चुरू के ठाकुर द्वारा गोपार समाप्त हो जाने में कौन से धातु के गोले दागे थे? चुरू के शासक शिव सिंह ने बीकानेर का सूरज सिंह चुरू पर आक्रमण कर दिया था, तो चुरू के ठाकुर जब गोला बारूद इनके यहाँ ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने
चांदी के गोले दागे थे, चांदी के गोले दागे थे। नेक्स्ट है, राताडूंगा स्थान का संबंध किस संप्रदाय से है। राताडूंगा का स्थान, राताडूंगा पुष्कर के निकट है। नाथ संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, रामसने संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय, तो सही आंसर होगा ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, और प्रश्न आ जाए नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर कहाँ है जी, महामंदिर जोधपुर में। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर महामंदिर जोधपुर में, जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने बनाया था अपने गुरु आयस देवनाथ के आशीर्वाद लेकर के। और जोधपुर का, सॉरी जालौर का सिरे मंदिर भी नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, मछली नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य जो है वैसे बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, बंजारा बाड़मेर में बंजारा जाति की लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इसमें कथा रहती है कि एक लड़की जो है चांद को देखती है तो उनकी मम्मी कहती है कि तेरी शादी चांद से करवाई जाएगी। तो कहा जाता है इसका जो आरंभ होता है बहुत खुशी से होता है, वो लड़की बहुत खुश होती है कि उनकी शादी किससे होगी, चांद से होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद चांद जब छुप जाता है वो लड़की उसी प्रकार दुखी होती है जैसे जल बिन मछली दुखी होती है। तो वैसे बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंजर जाति किया जाएगा। वैसे कंजर जाति के द्वारा जो नृत्य है, एक और है चक्री नृत्य भी किया जाता है, चक्री नृत्य भी कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। और जीके में अब अंतिम प्रश्न आया है, शारदा एक्ट के प्रेरणता, शारदा एक्ट 1929 जिसमें विवाह की जो आयु है वो निश्चित की गई थी, गोकुल भाई भट्ट, मोहनलाल सुकाड़िया, राय बहादुर हरविलास शारदा, अर्जुन लाल सेठी, तो ये हो जाएगा राय बहादुर हरविलास शारदा। ये शारदा एक्ट के प्रेरणता माने जाते हैं। ठीक है, ये वे जीके के प्रश्न, मिलेंगे अपन नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।